सब्सक्राइब कीजिए अमान टेक वर्ल्ड चैनल और दबाएं बेल बटन लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वीपीएन के बारे में। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि वीपीएन क्या है या फिर वीपीएन से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आपको वीपीएन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं वीपीएन से क्या बेनिफिट है या फिर नुकसान है। आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड में जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर हम बात करें वीपीएन की कि वीपीएन क्या है, तो आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि वीपीएन क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही तो है, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो वीपीएन का जो मतलब है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल यानी कि हाइड करना, जो दिखे नहीं, और प्राइवेट यानी कि आपके जो भी प्राइवेट सीक्रेट जो भी नेटवर्क होते हैं वो, और नेटवर्क आपको पता ही है, सिग्नल या फिर नेटवर्क या फिर आप जो भी कहना चाहें वो, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपका जो भी नेटवर्क है, जो भी आपकी आईडी है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे सर्च करते हैं वीपीएन यूज करने के बाद में, वो सारी की सारी चीजें ये इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि आपके कोड में कन्वर्ट कर देता है आपकी सारी डाटा को, सारी फाइल को, जो भी आप सर्च करते हैं वो सारी चीजें एक कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है वीपीएन। अब हम बात करते हैं किस तरीके से काम करता है। अगर हम आपको सिंपल तरीके से एग्जांपल देकर बताएं कि आपका कोई एक फ्रेंड है जो किसी सिटी में रहता है और किसी बड़ी सोसाइटी में रहता है, जहां पर अच्छी खासी वहां पर सिक्योरिटी भी होती है, यानी गेट कीपर या फिर सिक्योरिटी गार्ड होता है, जहां पर बिना इन्फॉर्मेशन के आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो उस तरीके से वहां पर रहते हैं। फ्रेंड से उसी सोसाइटी में मिलने के लिए गए हैं, सबसे पहले आपको वो गेट कीपर आपको रोकता है और आपसे पूछता है कि आप क्या करने के लिए आए और किससे मिलने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम, इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है वो आपको उस गेट कीपर को देनी होगी। फिर वो गेट कीपर आपके फ्रेंड को इन्फॉर्म करेगा और फिर वो फ्रेंड आपका उस गेट कीपर को इन्फॉर्म करेगा और फिर गेट कीपर आपको बताएगा कि आप मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं या फिर क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो वीपीएन भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। अब मान लीजिए अगर आप वीपीएन को इनेबल कर लेते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पर, और उसके बाद में आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के सर्वर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बल्कि किसी और दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर उस टाइम पर आप अपने लैपटॉप पर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं या फिर कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, या फिर आप किसी को भी कुछ भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें एक कोड में कन्वर्ट कर देता है वीपीएन सर्वर या फिर वीपीएन। आप अपने लैपटॉप पर जाकर गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए कि आप सर्च करते हैं यूट्यूब, तो सबसे पहले तो अगर यूट्यूब सर्च करते हैं अपने लैपटॉप से, तो वो सबसे पहले वीपीएन सर्वर पे जाएगा और फिर वीपीएन सर्वर उधर गूगल पे सर्च करेगा, और गूगल पे जो भी रिजल्ट आएगा वो वीपीएन सर्वर पे आएगा, फिर वीपीएन सर्वर लाकर आपके लैपटॉप पर आपके सामने रख देगा कि आपने ये चीज सर्च की थी, उसके ये रिजल्ट हैं। तो इस तरीके से वीपीएन वर्क करता है। बात करें वीपीएन के फायदे की, तो अगर आप किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हैं या फिर आप अपने घर में किसी भी राउटर से कनेक्ट हैं और वहां पर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो सारे के सारा डाटा या फिर जो भी आप सर्च करते हैं वो इतना सिक्योर नहीं होता है। यहां तक कि आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है या फिर आपके पास में जो भी पर्सनल डाटा आपका होता है वो भी इतना सिक्योर नहीं होता है। लेकिन जब आप वीपीएन इनेबल करने के बाद में वही एक्टिविटी या फिर कुछ भी सर्च करते हैं, तो उस चीज को हैक करना नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई हैक भी कर लेता है, हैकर उस चीज को, तो वो सारी की सारी चीज उसे एक कोड में मिलेगी और उसके हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है कि ये टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है या फिर फाइल है या फिर वीडियो है, किस तरीके की ये फाइल है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कोड में ही नजर आएगा। बेनिफिट की बात करें तो आपने देखा होगा कि कई कंट्रियों में काफी सारी जो वेबसाइटें होती हैं जो ब्लॉक होती हैं। अगर आप वीपीएन इनेबल नहीं करते हैं तो वहां पर आपके सामने लिख के आ जाता है कि दिस वेबसाइट हैज बीन ब्लॉक। पर वीपीएन यूज करने के बाद में उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप वीपीएन को इनेबल कर लेते हैं तो आप उस कंट्री के सर्वर से नहीं कनेक्ट होते हैं, बल्कि किसी दूसरी कंट्री के सर्वर के साथ में कनेक्ट होते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं बहुत ही आसानी से। बात करें गल्फ कंट्री की, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफी सारे जो मैसेंजर है, जैसे है ईमो है, स्काइप है, इस तरीके के जो भी मैसेंजर है वॉइस कॉल के, अगर आप बिना वीपीएन के बात करते हैं तो आपको वॉइस कॉल उसमें क्लियरली नहीं आती है। लेकिन अगर आप वीपीएन इनेबल करने के बाद में उसी मैसेंजर को यूज करते हैं या फिर किसी को कॉल करते हैं, तो पहले से बेहतर हो जाती है वॉइस क्वालिटी उस एप्लीकेशन की। होता है जब आप वीपीएन को इनेबल करते हैं और किसी को कॉल करते हैं और आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर हो जाती है, तो उस टाइम पर आप उस कंट्री के सर्वर से ना कनेक्ट होकर बल्कि किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट होते हैं
और आपको दूसरी कंट्री की सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस वीपीएन के वॉइस क्वालिटी या फिर अच्छी खासी आप सर्विस को एक्सेप्ट कर पाते हैं वहां पर रह के वीपीएन इनेबल करने के बाद में। हम बात करें यहां पर वीपीएन से अपने नुकसान की, तो यहां पर भी नुकसान होने के काफी सारे चांसेस हैं। जैसे कि अगर आप फ्री वीपीएन यूज करते हैं तो वहां पर जो भी आप एप्लीकेशन से अपनी वेबसाइट को यूज करते हैं तो वो ब्लॉक भी हो सकता है, या फिर उस प्राइवेट जो भी आप वीपीएन सर्वर यूज करते हैं फ्री वाला, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर वायरस किसी भी तरीके की कोई भी चीज उस सर्वर पर आ सकती है, इसलिए वहां पर आप अनसिक्योर भी फील कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली आप सिक्योर रहें या फिर 100% सिक्योर के साथ में कुछ करना चाहते हैं तो आप पेड वीपीएन का ही यूज करें। आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन से पेड के जो भी बेहतरीन एप्लीकेशन से आपको प्ले स्टोर में भी बहुत ऐसे एप्लीकेशन से जो कि पेड है और अच्छे एप्लीकेशन से वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप लैपटॉप के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप पर सर्च कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे वीपीएन के। मुझे उम्मीद आप सभी लोगों को वीपीएन समझ में आ गया होगा कि वीपीएन क्या है और आपको इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप वीपीएन यूज नहीं करते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग वीपीएन का यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। फ्रेंड, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।